बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे यहाँ पर इकरम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले तो हमने प्रेशर कुकर लिया है, अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त हमने 1 किलो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लहसुन। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ऐड कर लिया, अब हम इसको कुकर लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए कुकर लगाए हुए को, प्रेशर हमने रिलीज कर लिया। अब हम गोश्त को स्टेनर में छान लेते हैं, यखनी और बोटियां अलग कर लेते हैं। गोश्त और यखनी हमने अलग अलग कर लिया, लहसुन हम निकाल लेंगे और बोटियां हम मसाले में डाल देंगे। एक पतीला लिया है, अब हम इसमें 1 कप ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं, 3 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे। प्याज को धोकर हमने बारीक बारीक काट लिया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देते हैं 1/2 कप। अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को उस वक्त तक भून लेंगे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है, अब हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तेज़पत्ता, काली मिर्चें, साबुत जीरा सफ़ेद, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, ये हम ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका हमने पेस्ट बना लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बोटियां मसाले में डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमने इसमें कम ही डाला है क्योंकि गोश्त की यखनी में भी ऑयल होता है। गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्ची डाल देते हैं 6। 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें 1 लेमन जूस डाल देंगे। लेमन हमने डाल दिया, अब हम इसको 2 मिनट के लिए और भून लेंगे अच्छे से। इस तरह के 3 गिलास हमने चावल लिए हैं, इस तरह के 4 गिलास पानी डाल देंगे। यखनी गर्म थी तो पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावलों को हमने साफ़ करके 15 मिनट के लिए भगो के रखा था, अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम चावलों को उस वक्त तक पकाएंगे चावलों का पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने से पहले 1 टेबल स्पून हम पीसा हुआ गर्म मसाला डाल देंगे। इस स्टेज पे आके आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, हमें नमक कम लग रहा था तो हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने 1 टेबल स्पून डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। पुलाव को दम लग चुका है माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए खिले खिले से चावल तैयार हो गए हैं, वो हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। मटन पुलाव हमने सर्व कर लिया माशाल्लाह से।
बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप लोग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।